21 मार्च होने में ना, ये देखो 1 मिनट बचा हुआ है, 30 सेकंड बचे हुए हैं, तो देखता हूँ कौन मुझे विश करता है सबसे पहले। तो मुझे कॉल तो आ गई है। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा बर्थडे, तो रात को मुझे विश आया था, फिर मैं सो गया था और सुबह देखा मैं लेट उठा तो बहुत सारे विशेज आए थे। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना प्यार करते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अभी मैं उठ गया हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो शायद मैं अभी जाऊँगा, निकलूँगा बाहर। अभी कोई ऐसा कुछ प्लान ही है सच, लेकिन देखते हैं हाउ इट गोज। तो आज मैं आपको अगर मौसम दिखाऊँ तो मौसम थोड़े थोड़े बादल तो हैं, लेकिन इट्स प्रिटी क्लियर, 80-90% आज क्लियर है। हालांकि पिछले बड़े ब्लॉग में आपने अगर देखा होगा तो ओले पड़ गए थे उस दिन। तो मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी में और सबसे पहले तो लेंगे गणपति जी का आशीर्वाद। गणपति बप्पा मोरया, रक्षा करना प्रभु। और भगवान ये ऐसे हैं कि जो इनसे मांगो वो मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे गणपति भगवान की इस मूर्ति से। तो चलिए अब दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ महादेव के मंदिर, क्योंकि मलयाना में एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा एक मंदिर है। तो मैं आ गया हूँ महादेव के मंदिर। तो महादेव का आशीर्वाद ले लिया है, अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। अभी तो जा रहा हूँ यार फिलहाल संजौली। फिलहाल तो आ गया हूँ मैं जेरो रेस्टो और यहाँ पर अकेले ही पार्टी चल रही है। अभी गाड़ी लगाई है पार्किंग में, यार वेट कर रहा हूँ, तब तक खाऊंगा ये मनपसंद मेरा पनीर रैप विद कोक। यार हमें मिल गए हैं आज विजय और संजू भाई यहाँ पर, तो कोई तो हमें मिला यहाँ पे, है ना। तो यार वी आर थिंकिंग कि हम एक केक लेते हैं यहाँ से एंड देन हम कहीं जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। तो विजू भाई ने एक सरप्राइज केक लिया है, मुझे भी नहीं बताया है इन दोनों ने कौन सा केक लिया है। अब देखते हैं जहाँ पे हम खोलेंगे इसको तो ही खुलासा होगा। क्या ये है, क्या ये है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तो भाई हमारे पास दो ऑप्शन है जहाँ पे हम बर्थडे मना सकते हैं, ट्विन टावर्स या कुफरी पैसिफिक रिजॉर्ट। तो विजू भाई चलो एक चूज करो, ये वाला कुफरी पैसिफिक रिजॉर्ट मुंडा घाट चाइल्ड रोड। तो वहां जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। हम लेंगे टर्न कहां से, छराबड़ा से। वाओ क्या ही सुंदर याक है यार, ऐसा लग रहा है लाहौल स्पीति पहुंच गए। चीनी बंगला रोड, आई लव कुफरी। चीनी बंगला रोड पे पढ़ चुके हम, आगे जिप्सी जाती हुई। जिप्सी का आपको भी शौक है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। ओके ओहो, जिप्सी वाले ने तो हिम्मत हार दी। यहाँ पे आज बहुत ही ज्यादा मात्रा में घोड़े हैं यार, पूरा रास्ता रोक रखा है इन्होंने। हम पहुंचे भी चीनी बंगला। सुंदर सुंदर घोड़े हैं गाइस, घोड़े चिट्टे, कुड़िया ब्राउन, गड़िया काली। यानी तो हम पहुंच चुके हैं मुंडा घाट और यहाँ से बस हम जाएंगे अभी कुफरी पैसिफिक रिजॉर्ट। और सामने आप देख सकते हैं उनका एक बोर्ड भी आपको दिख रहा है। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो टू कुफरी पैसिफिक रिजॉर्ट, 50 मीटर अहेड ऑनली। गजब का व्यू, गजब की तरह व्यू अच्छा लग रहा है इसमें। पर नहीं हो गए हम थोड़े आगे। हमारा स्वागत किया, क्या नाम है भैंस का, क्या नाम है? रुस्तम भाई। हेलो रुस्तम,
हम पहुंच चुके हैं और विजय भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है, हवा चल रही है, बहुत ही मस्त है। This is the lobby guys and we are checking into Kufri Pacific Resort, Munda Ghat to be precise. बहुत ही स्पेशियस लॉबी है और बहुत ही शानदार लॉबी है और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल डेकोर और एक सूदिंग सा म्यूजिक जो चल रहा है। उस साइड को आपको देखने को मिलेगा गेम्स रूम और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट डेस्क इज हियर। यहाँ से ऊपर भी मैं एक बार आपको शैलेंडियर भी दिखा देता हूँ। ब्यूटीफुल शैलेंडियर और अलग ही लुक दे रहा है, एंटीक लुक। तो हम पहुंच चुके हैं सुनील सर के ऑफिस में यहाँ पे और ये देखो यहाँ पे कुफरी पैसिफिक रिसोर्ट। और आपको पता होगा गाइस ये वो होटल है जिसने हमें स्पॉन्सर भी किया था। और सबसे पहले तो स्वागत हो रहा है इन बड़े से ग्लासेस से। सुधीर भाई, दिस इज प्लीजिंग सरप्राइज फॉर यू। और मैं अभी ना ऐसा लग रहा है केक वाला फेस से जैसे फेशियल हुआ हो पर नहीं, ऐसे बोलते हैं कि फेशियल का काम करता है केक, इज गुड फॉर यू। डिलीशियस फूड यार, सो वी हैव गॉट मंचूरियन, फ्रेंच फ्राइज एंड चीज चिली अमेजिंग और बहुत ही सही कॉफी विद कॉफी और यार बहुत ही टेस्ट ना बोला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आ चुका है वेज फ्राइड राइस। फाइनली यहाँ पे हो चुका है केक सर्व और बटर स्कॉच मेरा फेवरेट है। यार स्काई देखो क्या ही खूबसूरत लग रही है। वाओ, मेरे को तो नेचर ने दे दिया मेरा ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट। केक खा लिया है, स्नैक्स भी हो गए हैं तो हम जा रहे हैं सीटिंग एरिया की तरफ। वाओ ब्यूटीफुल, ये तो वही कुत्ता है ना अपना। नाम क्या इसका? रुस्तम। अभी वो चल रहा है, तू अगर खोल दे दिया ना किसी ने
तो फिर तुम सबसे पहले यहाँ से नीचे भागेगा। तो हम नीचे जा रहे हैं अभी, थोड़ी देखते हैं, थोड़ा इन्होंने काफ़ी अच्छी प्लांटेशन भी की हुई यहाँ पे। तो सेलिब्रेशन तो हो गया है, खाना पीना भी हो गया, सब कुछ। अब थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करके, टाइम भी काफ़ी हो गया। और यहाँ से जो व्यू है ना, बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और इसमें मैं वो वाला मीम डालूंगा, अच्छा हमको सिखा रहा है, अच्छा अगर गंद पाई ना बेटा, ये मैं डालूंगा अगर गंद पाई ना ये। इनको गार्डनिंग का इतना शौक है, यहाँ से पता चलता है। देखो इन्होंने गोबर भी डाला हुआ है। This is the view guys, ये देखो होटल का क्या प्रॉपर व्यू आ रहा है यहाँ से। वाह, और मेहनत देखो यार पूरा इन्होंने, मतलब प्रॉपर इनके पास कोई गार्डनर रहा होगा, प्रॉपर गोबर और फर्टिलाइजर सब कुछ डाले हुए। कटिंग देख लो, एप्पल्स आएंगे ओके, तो इसकी कटिंग ही ऐसे कर रखी है पौधे की, जो आराम आराम से मिल सकते हैं। साइलेंट अलग तरह की वैरायटीज है, स्पीशीज है यहाँ पर पेड़ों की, बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। एंड यू कैन सी सम गेस्ट आउट देयर, और ब्यूटीफुल जैसे अपना अपनी पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, वैसा कर सकते हैं। पार्ट देखा बहुत इंटरेस्टिंग ना, वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब लेपर्ड और टाइगर जब होते हैं ना, तो एक नेचर कॉलिंग आती है, तो एक कॉल आती है जैसे मोर की या पक्षियों की, आप सुन सकते हैं। तो क्या पता हु नोज़ कि वहाँ पे इस घने जंगल में कोई लेपर्ड हो या टाइगर। क्या था वो आपके लिए बैंक्वेट हॉल देखने, जो कि एक होटल की जान होती है, और यहाँ पर बहुत सारी शादी होती है, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और बहुत कुछ, जो भी एज यू वांट लाइक। दिस इज द बैंक्वेट हॉल गाइज, और इसका लुक देखो आप, पूरा इम्पीरियल और पूरा रॉयल, वाओ ब्यूटीफुल। I'm saying that this property is highly like ready for future, और ये एक हाई टेक बेनिफिट हॉल है। यहाँ दिखाता हूँ आपको ली ग्रैंड का स्विच गाइस, कम से कम ये 3500-4000 का स्विच आता है, जस्ट नीड टू प्रेस इट और ली ग्रैंड का ये स्विच बाहर आ जाएगा। और इन केस ऑफ चार्ज करना है आपको कॉन्फ्रेंस में फ़ोन लैपटॉप, तो यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ लाइक फ्यूचर रेडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक आई टू डिटेल किया हुआ है, आप देख सकते हैं जो ये कारपेट है लाइक कितना सुंदर, और लाइक लगता है कि कहीं भी आप खड़े हो। इसके अंदर डेफिनेटली स्पॉन्ज है और बहुत अच्छे क्वालिटी का है। और यहाँ पर आप देखेंगे हर जगह पे लाइटिंग्स दी हुई है, और ये ब्लाइंड्स भी दिए हुए हैं, जस्ट इसको आप ऐसे खींचोगे तो ब्लाइंड्स हो जाएंगे नीचे। और ये जो हैवी कर्टन है, जस्ट नीड टू नीड टू स्लाइड, वाओ। और सामने अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर लाइक बाहर बहुत अच्छा व्यू होगा। तो ये छोटा सा हॉल है राउंड शेप में बिल्कुल, तो कोई हल्दी सेरेमनी है, मेहंदी सेरेमनी है, किट्टी पार्टी है, बर्थडे है, यू कैन ऑल्सो सेलिब्रेट। अभी तो ये बिखरा पड़ा है क्योंकि यहाँ पे शायद कल ही एक इवेंट हुआ है, तो ये अभी थोड़ा सा, और यहाँ पे मेरी आवाज़ गूंज रही है गाइस, इको हो रहा है, यू कैन फील द इको। और ऐसा लग रहा है मैं जैसे कमेंट कर रहा हूँ माइक पे, हेलो हेलो माइक चेक। और गेस्ट के लिए एक और फीचर, जिम इन हाउस गेस्ट के लिए यहाँ पे जिम है, और आप देख सकते हैं वाह। आप सुबह मतलब मैक्सिमम लोग क्रिसमस ब्रेक होते हैं, तो देखें लाइक आ सकते हैं सुबह, गेट फिट क्यों गाइस, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं
फिट रहिए, मस्त रहिए, नशे से रहिए दूर, एनर्जी रहिए भरपूर। ये भाई का ना तो ये लव हैंडल्स बढ़ चुके हैं गाइस, ये देखिए। तो हम चाह रहे हैं थोड़ा विजय भाई ये जो चीज है लव हैंडल्स को कम करें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन पुश। सो गाइस ये है हमारा रूम, हमारा रूम जहाँ पे हम आज स्टे कर रहे हैं, और ब्यूटीफुल अल्पाइन वैली रूम, अल्पाइन फेसिंग और परफेक्ट। सो फाइनली वी गोना स्टे हियर। वाओ यार, ब्यूटीफुली डिजाइन चेयर, और ये आपका, इसको आप एक एज ए वर्क टेबल यूज कर सकते हैं, इस टेबल को आप एज अ स्टडी टेबल यूज कर सकते हैं। कुफरी पैसिफिक रिजॉर्ट मेन्यू, जिसमें कि आपको प्लेसेस ऑफ विजिट है और फूड मेन्यू ऑफ कोर्स। और यहाँ पे मैं खाना देख रहा था कि बहुत ही रीजनेबल रेट में है, बहुत ही रीजनेबल रेट, सुंदर सा ये मेन्यू है। एंड दे हैव दिस ग्लोअर, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है, 8,000 फिट की हाइट है यहाँ पे। दे हैव द ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड दिस इज द कैबिनेट फॉर लिविंग, बेडिंग और लगेज भी यहाँ पे रख सकते हो, बहुत ही सही। और यहाँ से व्यू अभी तो कुछ खास दिखेगा नहीं गाइस, लेकिन यहाँ से ना बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। एक काम करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वाह, सुबह यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आया। वाह, और यार वही चीज़ आप ध्यान देना, पक्षियों की आवाज़ के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। पर सर कह रहे थे कि डियर्स आते हैं यहाँ पर, लेपर्ड भी देखा गया है यहाँ पर, बहुत सारे झुझुराना एंड ऑल पक्षी जो बहुत ही रेयर पक्षी हैं वो भी यहाँ पर स्पॉट हुए हैं। तो ब्यूटीफुल, और सामने आके आपको शिमला भी दिखता है। सुबह यहाँ से अलग ही नज़ारे आएंगे गाइस। दे हैव दिस टी केटल हेयर, एमिनिटीज, दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, और यहाँ पर एक अच्छा खासा सोनी का 43 इंचेस का टीवी है। अगर हम देखें वॉशरूम तो दे हैव वेरी स्पेशियस एंड वेरी वेल मेंटेन्ड वॉशरूम, एंड दिस इज द शावर। एज सून एज वी स्टेप आउटसाइड द रूम, सामने ये ब्यूटीफुल सा झूमर दिखता है हमें, और नीचे ही है लॉबी। And this is the games room, और यहाँ पर विजय भाई और संजू भाई अभी पूल खेल। तो विजय भाई और संजू भाई खेल रहे हैं टीटी, और मैं यहाँ सोलो खेल रहा हूँ कैरम बोर्ड। बर्थडे ब्लॉग में, एंड थैंक्स टू कुफरी पैसिफिक रिजॉर्ट।